आज मैं आपके साथ बिल्कुल नए तरीके से बनाए हुए बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये लड्डू ना जैसे मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, वैसा ही इसका टेस्ट रहता है, वैसे ही रसीले बन जाते हैं। और इसकी खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए बहुत कम तेल की भी जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं ये रसीले और टेस्टी बेसन के लड्डू कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक मिक्सिंग बोल, उसके ऊपर मैंने एक छन्नी रख दी है। हमें चाहिए 3 कप बेसन। 3 कप बेसन में एक लगभग 20 लड्डू बन जाते हैं। तो शुरुआत में मैंने 2 कप बेसन लिया है। अब हमें इस बेसन को इस तरह से छान के लेना है। बेसन को छान के लेने से बेसन का जब हम बैटर बनाएंगे तब इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। तो ये देखिए, 2 कप बेसन छाने के बाद मैंने फिर से 1 कप इसमें बेसन डाल दिया है। तो इसे भी छान के लेते हैं। तो ये देखिए, बेसन को मैंने अच्छे से छान के लिया है। तो अब हम बेसन में डाल देंगे एकदम थोड़ा सा फूड कलर, बस 1 पिंच ऑरेंज वाला फूड कलर डाल दिया है, जैसे मोतीचूर का ऑरेंज कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही कलर आए इसलिए। और 1 पिंच नमक भी डाल दिया है। नमक और फूड कलर को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। कोई भी मीठी रेसिपी बनानी हो तो उसकी मिठास बढ़ाने के लिए हमें इसमें 1 पिंच नमक जरूर डाल देना चाहिए। नमक डालने से उस रेसिपी की मिठास उभर कर आती है। तो यहाँ पे नमक और फूड कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो 3 कप बेसन के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी। तो इस तरह से एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और बेसन का अच्छा सा बैटर बना के लेंगे। वैसे ये बैटर हाथ से ही अच्छे से बनेगा, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। इस बेसन में पानी एकदम से ना डालें, पानी एकदम से डालने से बेसन में गुठलियाँ बन सकती है। तो ये देखिए, बैटर हमारा तैयार है। एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया था, एकदम लम्स फ्री बैटर बना है। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अगर आपको लगे कि बैटर में थोड़े बहुत गुठलियाँ बन गई है तो इसको हाथ से इस तरह से आप गुठलियाँ तोड़ कर ले सकते हैं। 3 कप बेसन के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था, इसमें से बस 1-2 चम्मच ही पानी रह गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए। इससे ज़्यादा पतला आपने बैटर बनाया तो लड्डू तो अच्छे बनेंगे लेकिन तेल थोड़ा सा ज़्यादा पी लेते हैं, और इससे ज़्यादा सख्त बैटर बनाया या फिर गाढ़ा बैटर बनाया तो लड्डू हमारे थोड़े से कड़क हो जाते हैं, मतलब उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बन पाते। तो बैटर हमारा तैयार है, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर मैंने मीडियम फ्लेम पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे लिया है एक सेव बनाने का साँचा, और सेव बनाने की जो प्लेट होती है वो मैंने इसमें डाल दी है। बेसन डालने से पहले इस साँचा को थोड़ा सा तेल भी लगा के लेंगे और इस तरह से इसमें बैटर डाल देंगे। ये मेरा बहुत पुराना वाला साँचा है, अगर आपके पास नया वाला साँचा है तो वैसा वाला भी आप ले सकते हैं। बैटर डालने के बाद इसको ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे, और तेल भी हमारा गर्म हो गया है तो बस साँचा को ऊपर के साइड से प्रेस करते हुए इस तरह से सेव बनाएंगे। जिस टाइम सेव बना रहे उस टाइम हमारी गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। बस इस सेव को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, दोनों साइड से बस आधे आधे मिनट तक ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, आधे मिनट तक एक साइड से मैंने फ्राई कर दिया है। अब हम इसको पलट देंगे। ये जो सेव बना रहे इसको ज़्यादा फ्राई किया या फिर कड़क होने तक फ्राई किया तो भी लड्डू हमारे अच्छे नहीं बनते, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं। तो बस दोनों साइड से सेव हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल भी कड़क नहीं किया है। कड़क होने से पहले ही हम इसको निकाल के लेंगे, और बस इसी तरह से बाकी के भी सेव मैं बना के लेती हूँ। तो ये देखिए, सारी सेव मैंने बना के लिए है। तो ये देखिए, सेव हमारी फ्राई तो हो गई है लेकिन साथ ही साथ ये सॉफ्ट भी है। वैसे सेव बहुत पतली होती है ना, इसको फ्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो बस सारी सेव मैंने फ्राई करके ली है, ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए उससे पहले ही हमें इसका चूरा बना के लेना है। वैसे सेव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसका 2 मिनट के अंदर ही हाथ से ही चूरा हो जाता है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये जल्दी जल्दी हाथ से नहीं हो रहा है तो आप इसको मिक्सर में भी दरदरा सा पीस के ले सकते हैं। लेकिन सेव ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, तो हाथ से ही अच्छे से बारीक हो जाएगी, जैसे मोतीचूर का लड्डू बनाने के लिए चूरा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। तो ये देखिए, 2-3 मिनट के अंदर ही सारा चूरा मैंने हाथ से बना के लिया है, एकदम बारीक हो गया है। इसमें अगर थोड़े बहुत छोटे बड़े टुकड़े रह जाते हैं तो भी कोई बात नहीं,
लड्डू हमारे अच्छे बन जाएंगे। ये देखिए एकदम दरदरा सा इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छे इसके लड्डू बन जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। तो सारे सेव जो बना के रखी थी ना उसका चूरा बना के रख दिया है। तो अब हमें लड्डू बनाने के लिए शुगर सिरप बनाना है। तो गैस पर मैंने एक पतीला रख दिया है, इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया है। अब हमने 3 कप बेसन लिया था, तो 3 कप बेसन के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप शक्कर डाल दी है। अगर आपको लड्डू ज़्यादा मीठे पसंद है तो आप 2 कप शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 कप शक्कर में भी लड्डू अच्छे मीठे बन जाते हैं। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई रख दी है। अब हमें शक्कर को अच्छे से डिजोल्व होने तक एक जैसा चलाते रहना है। हमें इसकी एक तार चाशनी बनानी है। तो ये देखिए शक्कर अच्छे से पिघल गई है, इसके बाद भी हम इसको 1-2 मिनट तक एक जैसा चलाते रहेंगे। तो ये देखिए शक्कर अच्छे से डिजोल्व होने के बाद मैंने 2-3 मिनट तक एक जैसा इसको मीडियम फ्लेम पे चलाया है। अब हम चेक करते हैं कि इसकी चाशनी बन गई है कि नहीं। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम स्लो कर दी है और ये देखिए इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तार इसकी चाशनी बन गई है। जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे एक तार चाशनी बन गई है, तुरंत हम गैस बंद कर देंगे और चाशनी में थोड़ा सा ऑरेंज वाला फूड कलर डाल दिया था ताकि लड्डू का कलर जैसे मार्केट में मोतीचूर के लड्डू बनते हैं ना बिल्कुल वैसा ही आए, इसलिए। तो पूरी चाशनी मैंने इस मिश्रण में डाल दी है। अब हम इसको फटाफट मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसमें मैंने थोड़े से काजू बादाम को कूट के लिया था, तो वो डाल देंगे और साथ ही 3-4 इलायची के जो दाने होते हैं उसको शक्कर के साथ पीस के लिया था, तो वो भी डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़े से किशमिश भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो ये देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना बिल्कुल वैसा ही इसका कलर आ गया है। अब हम इसके लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरह से मुट्ठी में मिश्रण लेंगे और हाथ से छोटे या बड़े जैसे भी आपको लड्डू पसंद है वैसे लड्डू बना के लेंगे। तो ये देखिए एक लड्डू हमारा बन गया है। तो बस इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना के लेती हूँ। यहाँ पे अगर आपको लगे कि ये मिश्रण थोड़ा सा ज्यादा चिपचिपा है तो इसको 5-10 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसके लड्डू बना के ले लीजिएगा। तो यहाँ पे बाकी के भी लड्डू मैं बना के लेती हूँ। तो ये देखिए सारे लड्डू मैंने बना के लिए हैं। 3 कप बेसन में 20 लड्डू बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 5-6 लड्डू बच्चों ने खा लिए हैं। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी और रसीले बेसन के लड्डू तैयार है। बिल्कुल अलग तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।